सभी परम श्रद्धेय पूज्य संत चरण, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, मंचस्थ उपस्थित सिंधु सभा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता गण, सिंधी समाज में अनेक प्रकार के विक्रम करने वाले सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, मुझे जब बताया गया कि 31 तारीख को अमर शहीद हेमू कालानी जी के स्मृति शताब्दी निमित्त कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में होगा, उसमें आपको रहना चाहिए, तो मैंने हाँ कहने में एक मिनट भी नहीं लिया। क्योंकि एक तो अपने देश के लिए प्राणार्पण करने वाले युवक का स्मरण है, और दूसरी बात है कि वह युवक अपने समाज के सिंधी बंधुओं से आता है। क्योंकि अपने देश के नाम से सिंध का संबंध है, और सिंधी समाज का योगदान प्राचीन समय से अब तक देश के जीवन में बराबरी कर रहा है, बाकी सबके बराबरी का, परंतु उसका उल्लेख कम होता है, उसका स्मरण कम रहता है। और उसका स्मरण कभी कभी लगता है कि अपने सिंधी समाज के नई पीढ़ी में भी कम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसलिए ऐसे कार्यक्रम में सहभागी होना अपना कर्तव्य है। भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है, भारत के हित में प्राणार्पण करने वाले सभी शहीदों का हम स्मरण करते हैं। उन्होंने अपने प्राण अर्पण किए, तरुण आयु में ही अनेक लोग चले गए, दुख तो होता ही है। अभी इंदौर की घटना का उल्लेख हुआ, सबको दुख है। कल मैं गंगा तट पर था, जिस समय ये वार्ता सुनी, मैंने मन ही मन उनके नाम से गंगा जी को नमस्कार किया। श्रद्धांजलि के क्या विधि होते मैं नहीं जानता, लेकिन मन ही मन मैंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की, और आज यहां भी हमने सबने उनका स्मरण किया। अपने से बिछुड़ने का दुख सबका होता है, सबको होता है, लेकिन विधि विधान के सामने किसी की कुछ चलती नहीं। लेकिन शहीदों ने ऐसा इतिहास रचा कि स्वयं मौत का सामना जाकर किया, वो जानते थे, शहीद हेमू कालानी जानते थे जो कर रहे उसके परिणाम क्या होंगे अगर पकड़े गए तो। रेल की पटरी उखाड़ने गए क्योंकि सिंध होके बलूचिस्तान उस गाड़ी से शस्त्रास्त्र सैनिकों के लिए जा रहे थे, वहां के स्वतंत्रता आंदोलन के को दबाने के लिए। वहां वो संहार न हो इसलिए उस गाड़ी को ही डिरेल कर देना, ऐसा हो गए थे। तीन लोग थे, दो लोग पलायन करने में यशस्वी हो गए, ये पकड़े गए। 19 साल की आयु थी, उनको उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन जब उस इलाके के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये केस गया तो उसने अपने अधिकार में न्याय से जो उम्र कैद मिली थी उसको मौत में बदल दिया। बहुत लोगों ने प्रयास किया ये न हो, परंतु माने नहीं। धाक जमानी थी अपने सत्ता की, तो देशभक्तों का सिर कुचलना आवश्यक था, और इसलिए मौत भी सजा पर वो कायम रहे। इधर हेमू कालानी जी को बहुत लोगों ने कहा
कि साथियों के नाम बता दो तो हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुम्हारी सजा में कम करेंगे, वो अड़े रहे। मौत के सामने भी उनका निश्चय नहीं डिगा और अपने तरुण आयु में अपने जीवन की सार्थकता देश के लिए बलिदान होने में है ऐसा मानकर उन्होंने अपना प्राणार्पण किया। तरुण आयु में उनके जाने का दुख तो होता है, उस समय भी हुआ था, स्तब्ध रह गए थे लोग, परिवार के लोगों के शोक का तो क्या वर्णन करें, लेकिन संपूर्ण उत्तर के उस इलाके में एक शोक की लहर मुंबई रेसिडेंसी से लेकर तो आगे तक दौड़ गई थी, निषेध हुआ था सरकार का। आज भी ये सुनते हैं तो एक कोना मन में कहता है कि 19 साल की आयु में एक खिलती हुई कली, उसका जीवन, तो वहां भी दुख होता है लेकिन वहां से प्रेरणा भी मिलती है। हम लोगों को जीवन की राह बताकर उन्होंने अपना जीवन दे दिया। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, जो तंत्र था वो विदेशी तंत्र था, विदेशी लोग राज कर रहे थे, विदेशी लोगों का राज नहीं चाहिए, अपने लोगों का राज चाहिए, उसको कहते हैं स्वराज। और अपने लोगों का राज चाहिए वो अच्छा राज्य होना चाहिए, सुराज होना चाहिए, इसलिए उस राज्य में इन शहीदों जैसा ही समर्पण रखने वाले, प्रामाणिकता रखने वाले, अपने देश बांधवों के दुख के प्रति संवेदना रखने वाले ऐसे लोग होने चाहिए। वैसे ही जो तंत्र चलता है उसकी जो दिशा है, उसके पीछे जो विचार है, वो हमारे अपने लोगों के प्रकृति संस्कृति से मेल खाने वाला होना चाहिए। ये इच्छा रखकर उन्होंने अपने प्राण दिए, इस विश्वास के साथ कि हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारे जाने से और 5 कदम स्वतंत्रता नजदीक आएगी, करते करते एक दिन मिल जाएगी, हम रहेंगे नहीं लेकिन भारत रहेगा। मैं विचार करता हूं कि इस आदर्श को मन में लेकर सब शहीदों ने, भगत कंवरराम सिंह जी, कंवरराम जी से तो ऐसे सब शहीदों तक, या कहिए कि राजा दहार से ऐसे सब शहीदों तक, ये बलिदान क्यों हुए? अपने स्व को बचाने के लिए हुए। और जब यह बारी आई हमारे दुर्भाग्य से कि आप या तो भारत रहो, सनातन परंपरा में रहो, भाषा भूषा भजन भवन भ्रमण भोजन सब में अपने प्रांतीय भारतीय वैशिष्ट्यों का जतन करके रहो, तो यहां से चले जाओ, यहां नहीं रह सकते, यहां तो अब हम कहेंगे वैसा चलेगा। दो में से एक चुनने की बारी आई तो आप लोग पराक्रमी लोग हो, आपने भारत को नहीं छोड़ा, आप भारत से भारत में आए। जब आप वहां थे तब वहां भारत था, उस भारत को छोड़ने के बजाय उस भारत सहित आप इस भारत में आए हैं, ये अपना देश है। अब एक ही बात है, हमने उस जमीन को शारीरिक दृष्टि से छोड़ दिया लेकिन 1947 के पहले वो क्या था ऐसा दुनिया में कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा कि वो भारत था। सारी दुनिया में सनातन का प्रभाव था, उस समय वहां क्या था? वही भारत था, सिंधु संस्कृति थी, वेदों के उच्चारण होते थे, भारतीय संस्कृति के त्याग के मूल्यों पर चलने वाला जीवन चलता था। हमको भारत को बसाना है, भारत खंडित हो गया,
तो खंडित शरीर तो रह नहीं सकता ना, जोड़ना पड़ता है। तो हमने उस भारत को अपने पैरों तले से छोड़ दिया, इधर चले आए। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम मन से उसको छोड़े। क्योंकि हमारे साथ उस भूमि का जुड़ाव, केवल सिंधी भाषिकों को नहीं कह रहा हूं मैं, भारत के साथ उस भूमि का जुड़ाव, सनातन धर्म संस्कृति हिंदू समाज के साथ उस भूमि का जुड़ाव, ये तो नाम से ही शुरू होता है। हिंदू क्यों कहा जाता है, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, उसका कारण सिंधु नदी है, सिंधु नदी का प्रदेश है। हम कैसे भूल सकते हैं भाई, हम अगर अपने आप को भारत कहे तो सिंधु सभ्यता को नहीं भूल सकते, वहां से अभी के इतिहास को वहां तक का तो मालूम है पक्का, हम तो उसके भी पहले जाते हैं। तो हमारे महाभारत में, हमारे रामायण में वहां के उल्लेख मिलते हैं, वहां के राजा, वहां की प्रजा, सबका वर्णन मिलता है। सिंधु नदी के सूक्त वेदों में है, यहां प्रदर्शनी में है पूरा सिंधु सूक्त, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, ये नाता हम कैसे तोड़ सकते हैं, हम उसको नहीं भूलेंगे। हम उस सिंधु को नहीं भूलेंगे, हम उस सिंध प्रदेश को नहीं भूलेंगे, हम अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन, अपना भवन कैसा था, कैसे रहते थे, और अपना भ्रमण कहाँ कहाँ जाते थे, किन तीर्थों की यात्रा करते थे, भूलेंगे नहीं। क्योंकि ये विभाजन कृत्रिम है, ये तो पक्की बात है, इसके लिए कोई विवाद नहीं चल सकता, क्योंकि वो इतिहास में है। एक व्यक्ति को लाया गया सीमांकन करने के लिए, वो जानता नहीं था और उसके पास केवल 3 महीने थे, तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कैसा करना, मेरे पास समय भी नहीं था, जो मैंने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता, ऐसा ये विभाजन है और कृत्रिम है। उस समय योगी अरविंद ने कहा था कि इसको जाना पड़ेगा। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है, वो दुख में है। उस अपने भूमि को छोड़कर भारत के साथ रहने के लिए यहां जो आए, उन्होंने अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ से फिर से खड़ा कर लिया, वो आज दुखी नहीं है, वहां दुख है। क्यों है, क्योंकि एक कृत्रिम जीवन में जी रहे। सत्य जीवन का अंगीकार करना, अगर वो गलत है तो गलती का सुधार तो यही हो सकता है, तो उसकी बात करने में क्या लज्जा है, वो सही है और जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए, कैसे होगा क्या होगा मैं नहीं जानता, मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है, हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है, हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है, वो तो हम करते हैं करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है, जो अभी धीरे धीरे जा रहा है, वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय
वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए उनको ये काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा। भारत से ही भारत में आप आए, सारा भारत अपना है, और जहां था आज नहीं है वहां बसाना पड़ेगा, तब हमको वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो यहीं पैदा हुए, जैसे मैं नागपुर में, हम उधर भारत किस रूप ने आपने स्थापित किया था हम नहीं जानते, वो वहां के जमीन के अनुकूल था। जब फिर से बारी आएगी आप दोनों तरफ का भारत जानते हो, आप वहां भारत को बसा सकते हो। और इसलिए पहली आवश्यकता है, शहीद हेमू कालानी का हम स्मरण करते हैं तो उनके जीवन की प्रामाणिकता को ध्यान में रखना, उनके जीवन की अकूत देशभक्ति को ध्यान में रखना, और अपने देश के हित में, अपने समाज के हित में छोटे संकुचित स्वार्थों को छोड़कर सारे देश के साथ तन्मय एकाकार होते हुए सर्वस्व त्याग के लिए उनकी जो तैयारी थी उसको ध्यान में रखना, वैसा होने का प्रयास करना, यह पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है कि ये जो भारत है वो भारत केवल जमीन का नाम नहीं है, सिंध केवल जमीन का नाम नहीं है, आज भी उस जमीन का नाम वही ही कहते हैं, उसको सिंध ही कहा जाता है, लेकिन वहां सिंध है क्या तो हम लोग कहेंगे नहीं है। सिंध का एक स्वभाव है, सिंध की एक परंपरा है, सिंध का एक इतिहास है, सिंध की उस इतिहास को कहने की एक भाषा है, अपने संस्कृति को प्रकट करने के कुछ रीति रिवाज है, वो सारा कायम रखना, उसको नहीं भूलना। अपने घर में अपना भजन चले, अपने घर में अपना पूजन चले, अपने घर में अपनी सनातन परंपरा का गौरव बना रहे, उसकी जानकारी रहे, उसका आचरण चलता रहे। जमीन से उखड़ गई इसलिए कोई भी आके इधर से उधर ले जाए, ऐसे नहीं चलेगा। हम अपनी खुदी को बनाए रखें, इसके लिए विशेषकर जो उस समय थे और इधर आए उनको तो सब पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इधर आने के बाद यहां पर जिनका जन्म हुआ वो उस लगाव को नहीं जानते, उस लगाव को तोड़ने पड़ने का दुख नहीं जानते, उनको ये समझाना पड़ेगा। उनको दर्द से आहत करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको उस अपनत्व से भरना पड़ेगा, उनका लगाव वहां होना पड़ेगा, वो भूल न जाए हम कौन थे, कौन है, कौन बनना है हमको। और इसलिए सारे समाज के साथ कदम से कदम बढ़ाना, ये ध्यान रखना। अनेक भाषा, अनेक देवी देवता, अनेक पंथ संप्रदाय, खान पान, रीति रिवाजों को सदियों से जोड़कर एक समाज एक देश के नाते चलाने वाली अपनी सनातन परंपरा, वो हम सबके लिए है, इसलिए उस पर लांछन लगाना और हमको एक दूसरे से अलग करके आपस में लड़ाना, ऐसा करने वाले लोग हैं, उनसे बचना है तो अपनी मेमोरी, अपना स्मरण, ये पहला उपाय है। दूसरा है, जब ऐसा कुछ होता है तो संभालना, लोगों को झगड़े में उकसाना, इसमें तोड़ने वाले शक्तियों की विजय है। उकसावा कितना भी बड़ा हो, हम अपनों की पहचान करते हैं और शांति से संभालने का काम करते हैं, तो ऐसे कुटिल षड्यंत्र असफल होते हैं। हमको उनको असफल करना है, उनके चंगुल में फंस के उनकी चाल नहीं चलना है, उनका खेल नहीं खेलना है, ये ध्यान में रखना। हम सिंधु है इसका मतलब हम हिंदू है, हम पूरा हिंदुस्तान है, इस समाज के अंग है, इस समाज के साथ कदम से कदम मिलाप कर चलेंगे, और इसमें ये सब लोग हैं, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्व, इस स्व के लिए हेमू कालानी शहीद हुए थे, केवल यहां से अंग्रेज जाए
और अपने लोग कुर्सी पर बैठे, इतनी छोटी बात नहीं थी। वो तो प्रांतीय सरकारों में बैठना शुरू हो गया था, काउंसिल पर भारत के लोग चुनकर उस समय भी जाते थे। परंतु स्व का मतलब होता है इस स्व के आधार पर जो विविधता में एकता के आविष्कार को देखता है और उस एकता के लिए सब कुछ सहन करता है, सर्वतोपरि संघर्ष करता है, विजय उसके लिए होता है और कभी छोड़ना पड़े तो उसके लिए छोड़ता है। वो जो हमारा सनातन संस्कृति की परंपरा का प्रवाह है, उसके लिए, उस स्व के लिए ये हमारे सारे शहीदों ने बलिदान किया है। उनके अधूरे स्वप्नों को साकार करने का अपना काम है। और आज तो समय ऐसा है कि सारी दुनिया को ये विचार चाहिए। इस विचार के आधार पर अपने अपने देश को खड़ा करना सब लोग चाह रहे हैं। ऐसे समय में अपने देश के हमारे सहित सब लोगों ने उसका एक प्रतिमान दुनिया को देना चाहिए। स्व का सच्चा अर्थ ऐसा है, डॉक्टर हेडगेवार में ने 1920 में नागपुर में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस हुई थी, उसके व्यवस्था प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार थे, सह व्यवस्था प्रमुख थे, और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव में क्या विजन था? वो विजन ऐसा था कि संपूर्ण स्वातंत्र्य, इसको कांग्रेस अपना ध्येय घोषित करे और ये भी करे उसमें कि स्वतंत्र भारत बड़े पूंजीवादी देशों के चंगुल से संपूर्ण दुनिया के देशों के मुक्ति के प्रयासों में सहभागी होगा। भारत के लिए सोचने वाले, भारत के स्व के लिए सोचने वाले हर व्यक्ति के मन में पीछे ही विचार था, भारत को स्व पर खड़ा होकर बड़ा क्यों होना है, संपूर्ण दुनिया को कल्याण का मार्ग दिखाना है। इतना बड़ा ध्येय लेकर उसके पहले पायदान पर हम कदम रख सके, इसलिए ऐसे नवयुवक फांसी गए, शहीद हो गए, कितने लोगों के परिवार बर्बाद हुए, कितनों ने आजीवन जेल काटी, उसकी कदर कैसे करना है? उनका स्मरण तो करना ही है, उनके गुणों का अनुकरण करना है, परंतु हम भारत को ऐसा देश बनाएंगे, भारत के समाज को ऐसा समाज बनाएंगे जो इस स्व को अपने जीवन के सब क्षेत्रों में उजागर करेगा और इस प्रकार की एक बात दुनिया के सामने रखेगा, देखो इस प्रकार से किया जा सकता है, आप भी इस मूल तत्व को ले लो और अपने प्रकृति के अनुसार अपनी देश की रचना करो, ऐसा हम कह सके, ऐसा विश्व गुरु भारत गढ़ना है। और चूंकि आदिकाल से, ठीक है ये सुन लीजिए, आदिकाल से इस देश के प्रगति के प्रथम कदम से उसमें सिंधु और सिंध का सहभाग रहा है, आज भी वो आप लोगों की ओर से होना पड़ेगा। आपकी समस्या क्या है? आपकी, आपने बताई, कुछ आपकी बातों को हल करके आपको कुछ सुविधाएं देने का ऐलान मुख्यमंत्री श्री ने यहां पर किया है, ये चलता रहेगा, मांगे रहेगी, पूरी होगी, कुछ रह जाएगी, फिर से करना पड़ेगा, फिर होगा, धीरे धीरे होता है। 140 करोड़ का देश बनने वाला है अपना देश, उसमें संसाधन वगैरह वगैरह सारे देख दाग के बांटने पड़ते हैं, तो उसमें कुछ लोग रह जाएंगे, अगली बार होंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन ये चले ना चले, एक बार चलती रहनी चाहिए, संपूर्ण दुनिया को सुख शांति देने वाला भारत चलते रहना चाहिए। उस भारत के आदिकाल से उसके इतिहास में सिंधु प्रदेश और वहां के रहवासियों का कर्तृत्व है। वो जब तक बरकरार रहता है तब तक आप मान लीजिए कि सिंध, सिंधु और सिंधी रहेगा, बढ़ेगा, चमकेगा। जो प्रयोजन भगवान ने अपने
विश्व में उत्पत्ति का दिया है उस प्रयोजन के साथ हम चलेंगे, तब तक हम है बढ़ते रहेंगे, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन हम कभी मिटेंगे नहीं। हमारी हस्ती कभी मिटती नहीं, उसका ये कारण है हम अपने स्वार्थों के साथ नहीं रहते, हम अपने अहंकार के साथ नहीं रहते, हम इस विश्व के सारे नाटक में हमारा कहां प्रयोजन है उस प्रयोजन के साथ चलते हैं। मेरा सारे संत चरणों में नम्र निवेदन है कि सारे सिंधी समाज को, विशेषकर नई पीढ़ी को, उसका भान हो, उस प्रयोजन को वो छोड़े नहीं, छोटे मोटे आकर्षक बातों के लिए अपना रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पर भटके नहीं, इसकी चिंता करके उनका प्रबोधन कीजिए, तो मेरा विश्वास है और किसी को भी होगा। सब कुछ गंवा कर शरीर पर कपड़े लेकर दुनिया में किसी को निराश्रित छोड़ दिया तो वो शरणार्थी कहा जाता है, लेकिन पुरुषार्थी होता है और बड़ा बनता है, ये प्रत्यक्ष देखने को कहाँ मिलता है, सिंधी समाज में देखने को मिलता है। इसलिए विश्वास की क्या बात है, आंखों के सामने, हाथ कंगनी को आरसी क्यों चाहिए, आप ऐसे हो, आप ये करिए, सब ठीक चलता रहेगा, और आप ये करेंगे तो उस राह पर अपनी जितनी ताकत है उस ताकत के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको अपने शक्ति अनुसार सहायता के लिए सदा तत्पर मिलेगा। मुझे लगता है आज इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, समझदार लोगों को इशारा काफी है, इशारा समझिए, आगे बढ़िए, धन्यवाद।